माउंट आबू राजस्थान के इस पहाड़ी इलाके में घूमना आपके लिए आसान और आरामदायक है। यहाँ का मौसम भी जून में मानसून में बदल जाता है। पहाड़ों पर ओस की बूंदे होती है और झील में ठंडा पानी। यहाँ पर यात्री कई जगह ट्रैकिंग पर जा सकते हैं, इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार इसका फैसला कर सकते हैं। यहाँ आपको रहने के लिए कई बड़े रिजॉर्ट्स मिलेंगे और वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आप अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए हमेशा से चाहते हैं। सोनमर्ग। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित एक लोकप्रिय जगह है जो समुद्र सतह से 2740 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के हरे मैदान और उनमें बसे छोटे गांव जो बर्फ से ढक जाते हैं यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो यात्री जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहते और एक शांत हिल स्टेशन की तलाश कर रहे हैं उनकी खोज यहाँ खत्म हो सकती है। पिथौरागढ़ भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख शहर है। गर्मियों में यहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ एडवेंचर का भी आनंद उठाया जा सकता है। डीडीहाट यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ का मौसम बहुत खुशनुमा होता है। यहाँ आप किसी भी महीने में आ सकते हैं। प्रकृति से लगाव रखने वाले इस जगह का सही से लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो यहाँ आकर आपको विभिन्न प्रकार के एडवेंचर करने का मौका मिलेगा। यहाँ आप ट्रैकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद आप खुद को रिफ्रेश महसूस करेंगे। धर्मशाला। हिमालय से घिरा ये शहर हर बार एडवेंचर करने वाले लोगों को, नई जगह की संस्कृति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को और प्रकृति को करीब से देखने वाले लोगों को अपनी ओर खींचता है। यात्री पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के लिए और वहाँ के प्रचलित तिब्बती खाने का जायका लेने के लिए अक्सर धर्मशाला पहुँचते हैं। धर्मशाला से 5 किलोमीटर दूर है मैक्लोडगंज, एक ऐसा शहर जो जून की गर्मी से बचने के लिए हर तरह से परफेक्ट है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कंगोजोड़ी गांव। अगर आप नेचर की खूबसूरती को पास से देखना चाहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के कंगोजोड़ी गांव पहुंचे। सिरमौर जिले के इस गांव तक पहुंचने के लिए आपको दिल्ली से करीब 275 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी, लेकिन यहां के नज़ारे कुछ ही देर में सारी थकान भगा देंगे।